हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब अस्सलाम वालेकुम गेमर, मेरा नाम है कृष्णा मंगलानी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लूप गेमर। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और सबसे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि मैं इतने दिनों से क्या पागल बना कर रहा था। देखो यार, वीडियो तो रिकॉर्ड करके डाल रहा था बट उसमें वॉइस ओवर नहीं था, क्योंकि यार एक तरीके से मेरा मन नहीं कर रहा था। एक मतलब अब मैं क्या बताऊँ यार, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, मैं सच्ची में एकदम मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। बट मैं अपने चैनल को बंद भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं उस वीडियो डाल दे रहा था और वॉइस ओवर नहीं कर रहा था। पर गाइस अब से वो वीडियो वॉइस ओवर के साथ आएंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर अब हम आ चुके हैं फिर से अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में। यार पिछला वीडियो, सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, वॉइस ओवर नहीं था उसमें, तो वहाँ पर कुछ बोला नहीं मैंने। पर अगर आपको चाहिए कि मैं वॉइस ओवर उस वीडियो में करूँ, तो मैं उसको री अपलोड करूँगा एंड उसको अच्छे से अपलोड करूँगा बिल्कुल सही तरीके से। अगर आपको वैसे चाहिए तो ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैंने पिछले एपिसोड में अपना नाइट सर्वाइवल के लिए छोटा सा खड्ढा खोद के आ गया था। और चलो अब हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि आज के वीडियो का मेन मोटिव है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि हमें डायमंड कह रहा हूँ आयरन चाहिए। अरे यार यहाँ पे हमारा पानी निकल गया, यहाँ पे होगा मेरे ख्याल से पॉन्ड है बगल में, हाँ छोटा सा एक पॉन्ड है, उसके अंदर से निकल आया पानी। पर कोई बात नहीं, हम अब रास्ता बना चुके हैं यहाँ से, तो चलो भाई चलते हैं। एंड अब यहाँ पे बगल में केव थी, और देखो यहाँ पे मैं डर के चक्कर में ये अपनी क्राफ्टिंग टेबल यहीं छोड़ गया था, तो इसको भी पहले ले ही लेते हैं। एंड अब हम चलते हैं नीचे की ओर। सो गाइस हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आयरन मिले। और यहाँ पे देखो कोल था, और आई होप जल्दी मिल जाए, क्योंकि यार मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं ढूंढ रहा था तो नहीं मिला था, और यहाँ पे कोल पड़ा है। एंड गाइस यहाँ पे मुझे देखते ही देखते आयरन मिल चुका है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और यहाँ पे थोड़ा बहुत आयरन नहीं है गाइस, बहुत ही ज़्यादा आयरन है यहाँ पर, थोड़ा मोड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आयरन है। आप देखो 8 पीस तो यही मुझे दिख रहे हैं, शायद नीचे होंगे, क्योंकि इस वाले बायोम में ज़्यादा मिलता है आयरन, मैंने देखा है। यहाँ देखो अंदर भी मुझे 3 पीस दिख रहे हैं, तो इसको भी एक, ओह माय गॉड इतने सारे पीस हैं यार आयरन के। अच्छा है अच्छा है, मैं ले लेता हूँ। एंड यहाँ पर अरे एक पीस नीचे गया, कोई नहीं हम छलांग मारेंगे। और यहाँ पे अभी मैं कुछ ज़्यादा खोदना नहीं चाहता, मेरे को रिस्क नहीं लेना। 15 आयरन के ओर जमा हो गए एक ही बार में, और भाई ये तो पूरी रवीन लग रही है नीचे की ओर, तो आई होप कुछ ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से अब मैं ऊपर जा रहा हूँ, और अब और भी आयरन है बगल में, तो उसको भी माइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा आयरन का रिस्क तो नहीं लेना, पर जो सामने है उसको छोड़ेंगे भी नहीं हम, ठीक है। और देख रहे हो भाई कितने एकदम तरीके से जा रहा हूँ, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता मैं। 15 आयरन के ओर से मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ पे और भी मिल रहा है। एंड गाइस अगर आपको थोड़ी देर में यहाँ पे मेरी वॉइस थोड़ी चेंज लग रही हो, तो ये वॉइस ओवर के टाइम के गैप की वजह से है, तो उसके लिए सॉरी यार, माफ़ करना। पर यार अब ठीक है, मैनेज कर लेना थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं बाहर निकल आया हूँ, और ये जितना भी आयरन मुझे मिला थोड़ा और 15 के पीस के बाद, तो इसको भी हम स्मेल्ट करने पर लगा देते हैं। और मेरा घर कहाँ गया यार, मैं अपने घर ही भूल गया, कहाँ है यार, को ढूंढने दो मुझे। मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, यहाँ पे हमें मिल गया हमारा घर। अरे नहीं ये तो कुछ और निकला, अरे गलती हो गई सॉरी, वापस चलते हैं और यहाँ से ऊपर चलते हैं। एक काम करता हूँ, घर अपना घर ढूंढ के आता हूँ, फिर बात करते हैं, ठीक है। अरे यहीं पर था मेरा घर, क्या ढूंढ रहा हूँ, अभी मैं कट करने वाला था, चलो हटाओ उसको। यहाँ पे हमको मिल गया, और ये रहे हमारे फर्नेस, दो फर्नेस बना लिए थे मैंने लास्ट टाइम, और इसको अब लगा देते हैं स्मेल्टिंग पर, ठीक है। और इसको लगा दिया मैंने स्मेल्ट करने पर,
A few moments later. क्योंकि आज का हमारा मेन मोटिव है कि हमें आयरन आर्मर बनाना है विद टूल्स और विद शील्ड एंड सपोर्ट से वो बकेट, ठीक है? तो हम बनाएंगे और उसके लिए हम जा रहे हैं वापस से सारा का सारा आयरन जितना हमें मिल सकता है उतना खोजने। तो यहाँ पे बहुत बड़ी जगह है तो यहाँ पे शायद मिल जाए। एंड बाय द वे कोल मिल गया और हमारी टॉर्च भी ख़त्म हो गई है, तो इसे सबसे पहले माइन कर लेते हैं। एंड इसको आप देखो 2x पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही स्लो प्रोसेस है। सो गाइस अब देखो यहाँ पे जितना कोल था मैंने कलेक्ट कर लिया है, अब हम आगे की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ टॉर्चेस बना लेता हूँ क्योंकि ख़त्म हो गई थी, इसलिए वैसे मैंने इसी वजह से मैंने मेनली कोल को लिया था, नहीं तो मेरे पास अंदर थोड़ा बहुत पड़ा है कोल, बट अब ठीक है ले लिया तो ले लिया। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे मुझे मिल चुका है थोड़ा सा और आयरन एंड पे 3-4 पीस हो कम से कम। तो हाँ यहाँ पे नीचे एक और पीस है एंड बस यहाँ पे इतना ही। यार ऐसे भी मत किया करो। हाँ मैं जानता हूँ कोल को मैंने देखा ना, मतलब इग्नोर कर दिया, देखा था नहीं करो नहीं चाहिए। इन लोगों में थोड़ा सा आगे जाना चाहूँगा और यहाँ पर देखो आई होप यहाँ पर कुछ और नहीं है पर। एंड यहाँ सब केव की थोड़ी गहराई है, मैं झाँकने की कोशिश करेंगे गाइस हम लोग, ताकि हमें और आयरन मिल सके। भाई यहाँ पर तो बहुत ही अंधेरा है पर यहाँ पर हमें थोड़ा और आयरन मिला है। आई होप ये थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि गाइस हमें बनाना है आज के दिन ही अपना आयरन का आर्मर, इसलिए सो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे यार एक ग्रेवल मेरे आयरन और तक जाने का रास्ता ब्लॉक करके बैठा है। एंड इसको हम कर लेते हैं माइन। एंड गाइस मैं आपको सच बता रहा हूँ, अभी बज रहे रात के 3 एंड मैं इसको रिकॉर्ड करूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो के आखिर में मैं क्लिप दिखा दूँगा। पर फिर बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई तुमने कभी फ़ोटो खींच ली होगी और बता रहे हो तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, पर नहीं भाई सच्ची में मैं इंस्टाग्राम पर क्लिप भी डाल दूँगा, ठीक है? और मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर जाकर, नीचे दिए हुआ है अकाउंट का लिंक। एंड मेरे इंस्टाग्राम पर नाम है @krishnamalani2, तो उसको भी फॉलो कर लो मेरे अकाउंट को। चलो भाई वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड यार यहाँ पे अब सोच रहा हूँ क्या, कहाँ जाऊँ, किस तरफ जाऊँ, इतने सारा तो अंधेरा ही है। और फिर ये यहाँ पर मुझे कोल थोड़ा दिख जाए तो, आयरन कह रहा हूँ, आयरन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। मुझको ज़्यादा अंदर नहीं जाना क्योंकि अभी मत इतने टूल्स नहीं है कि मैं मॉब्स का सफाया कर सकूँ। एंड थोड़ा नीचे कूद के देखते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा आयरन दिखाया, वैसे थोड़ा नहीं 8 पीस आई होप सो होगा, क्योंकि ऐसे बड़ा रहता है तो उसके नीचे भी 4 का एक चंक रहता है। सो यहाँ पर हाँ है 8 पीस तो है टोटल। और ये देखो एक मॉब आ गया, मॉब कह रहा हूँ, एक ज़ॉम्बी आ गया। अरे यार जो भी है जितना जल्दी मैंने माइन करके भागते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था मुझे मौत का परवाह नहीं लेना है। आपने देखा और यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक दे देना, 15 लाइक का है। मैं बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा लाइक रख रहा था और मैं अपने आपको ज़्यादा ही बड़ा वीडियो ऐसा मानने लगा था, पर भाई सिर्फ 15 लाइक का है, मैं ये तो यार पूरा करना ही पड़ेगा आपको। मैं सच्ची में यार रात के 3 बजे कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ यार। फिर बोलोगे कि भाई क्यों शो ऑफ कर रहे हो बात बात का, तो छोड़ो यार उन सब बातों को, आप वीडियो पर फोकस करते हैं। एंड यहाँ पर हम ऊपर की ओर जा रहे हूँ एंड
यहाँ से जल्दी निकलते हैं गाइस, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो अब हम वापस ही जाते हैं सीधा भागकर। एंड ओ नो, ये क्या था, मैंने ये चीज़ तो ध्यान ही नहीं थी कि मैं हाफ हार्ट पे था। और यार देखो, मैं आयरन कलर करने निकल गया था पर मैंने बेड ही नहीं बनाया अभी तक। मैं एक नंबर का नूब हूँ। तो पर ये बात एक थोड़ी अच्छी हो गई गाइस कि शिट, पर एक बात हमारी गाइस अच्छी हो गई कि मेरा सामान सारा ज़्यादा अंदर नहीं था, केव के यहीं पर था। ओ नो नो नो, नहीं एक और बार आ गया है, भाग जा रहे, भाग जा, मैं बहुत मारूंगा। अरे भाई 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 कुछ, अरे यार फिर से हाफ हार्ट पर पहुँच गया। अरे भाई प्लीज़ चला जा, अरे यार भाई रात भी हो रही है, अब तो मुझे कुछ भी करके मेरा सामान वापस चाहिए। गाइस यहीं पे बगल में ही है केव, फिर से गिर गया है। वैसे मैं कभी नहीं गिरूंगा, और जब इंटेंस मूवमेंट चल रहा होगा तब मैं हमेशा गिरूंगा। बट यार अब छोड़ो, जल्दी से अपना सामान लो। चला भी गया स्केलेटन बाय द वे, और जितनी जल्दी हो सके अपना सामान बटोरो। एंड आई होप से उसे मेरा आयरन मिल गया, बाकी तो मुझे किसी और सामान की कोई चिंता नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ क्राफ्टिंग टेबल में छोड़ के जा रहा हूँ, कमेंट लिखना मत। वैसे लिखना यार कुछ भी लिखो कमेंट में, मुझे आपकी कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है। एंड मैं हमेशा सबको हार्ट भी देता हूँ, इसलिए यार जो लिखो मेरे को अच्छा लगता है। आखिर कम से कम मेरी वीडियो के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्कशन ही हो रहा होता है एक्चुअली में। सो यहाँ पर हमारे पास गाइस हो चुका है 18 कोल, आयरन। और यहाँ पर स्मेल्ट पर लगा देते हैं। और गाइस अब मैं आपसे सीधा मिलूँगा जब ये हो जाएगा स्मेल्ट। गाइस जब तक ये स्मेल्ट हो रहा था तब तक मैं चला गया था बाहर कुछ और सामान लेने। और यहाँ पर देख सकते हो मैं बस एक स्प्रूस लॉग लगा है, डार्क ओक लॉग लगा, सॉरी। पता है कि बस क्योंकि मुझे टूल्स बनाने थे और मेरे को कमी पड़ रही थी स्टिक्स की, इसलिए। और मैंने अपना पूरी इन्वेंटरी खाली कर दी, जस्ट में डाल दिया था बस एक आयरन की, आयरन कह रहा हूँ यार, स्टोन की एक्स लेके गया था ताकि मैं तोड़ सकूँ जल्दी जल्दी, ताकि मॉब से ना मरूँ और बाहर कोई मॉब मिले तो उसे मार भी दो, ठीक है। एंड यहाँ पर अब चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आयरन स्मेल्ट हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पर हमारा आयरन, वैसे 4 पीसेस बचे हैं गाइस, तब तक मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। और ये देखो मैंने सिस्टमेटिकली ऑर्डर, नहीं वैसे अभी रुक जाओ, हम वापस बाहर जा रहे हैं क्योंकि और थोड़ा सा कोल स्टिक्स चाहिए, इसीलिए हमें लॉक चाहिए होगी वुड बट यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, काम करता हूँ आपके लिए ताकि आप देख सको। बहुत से यूट्यूबर्स की वीडियो में दिक्कत होती है, बस आपके लिए बढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ एंजॉय करो इस वीडियो को और एंड तक देखो यार। एंड अब यहाँ पर आगे जा रहा हूँ मैं, थोड़ा खुदी मिली है और यहाँ पर मेरे 2 लॉग्स और मिल चुकी हैं। और अब मैं यहाँ पर वापस जा रहा हूँ गाइस। एंड यहाँ पर देखते हैं, और अब ये इसको जल्दी से बंद कर देते हैं। एंड अब तक तो आई होप सो हो ही गया होगा कन्वर्ट सारा का सारा। सो ये हम अपना पहले ये ले लेते हैं जितना भी हमारे पास लॉग है, और ये रहे हमारे 38 आयरन के इंगट। एंड अब हम बनाने जा रहे हैं इनको वापस से आर्मर में। एंड सबसे पहले ये एक्स को डाल देते हैं हम लोग अंदर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल क्लियर व्यू रहे, इन्वेंट्री भी पूरी खाली हो, जस्ट वो चीज़ें जिसकी ज़रूरत है। और भाई देख सकते हो बहुत सी चीज़ें बन सकती हैं। और सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर दिया है मैंने। एंड अब यहाँ पर हमें सबसे पहले आयरन का हेलमेट, उसके बाद चेस्ट प्लेट, उसके बाद हमारा आयरन की लेगिंग्स एंड फिर बूट। एंड अब हम बनाने जा रहे हैं आयरन की पिकैक्स, स्वॉर्ड और एक एक्स, और बाकी मेरे ख्याल से कुछ और नहीं बनेंगे। एंड यहाँ पर हमने शील्ड भी बना ली है, और अब हम यहाँ पर एक आयरन की बना लेते हैं स्वॉर्ड, एक पिकैक्स और एक एक्स बनाएंगे हम बाद में, अभी कुछ खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टोन की पड़ी हुई है। तो
सो गाइस मुझे एक फीचर टेस्ट करना है, क्या ये चीज पॉकेट एडिशन में काम करती है या नहीं। सो उससे पहले मैं ये स्टिक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ और चलो अभी बना लेते हैं यार, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने शवल भी बना ली, पूरा सेट बन गया और इसके साथ साथ मैंने पत्ती भी बना ली। तो ये जो फीचर की मैं बात कर रहा हूँ वो है ये गाइस, आप देखिए इसको मैं अच्छे से बिल्कुल। तो मेरे को ये देखना है कि ये क्या हम आर्मर को ऐसे क्लिक में ऐसे पहन सकते हैं, तो क्या ये फर्स्ट पर्सन फ्रंट मोड में हो सकता है। ये पॉकेट एडिशन में तो हो जाता है। सो गाइस अब ये देखो हो रहा है यार, और ये देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरा आर्मर पहन रहा हूँ अपना। सो ये हमारी सॉर्ड है, इसको खोल, इसको तो नहीं कर सकते, इसको तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा गाइस। सो इसको इधर कर देते हैं एंड यहाँ पे अपनी थोड़ी सी इन्वेंटरी सेट कर लेते हैं। इसको यहाँ शवल फोर्थ नंबर पे है और इसको अंदर पड़ेगा ये यहाँ। सो गाइस अब हमारा फ्लैग मैन द आयरन मैन, हाँ मेरा गेमर टैग फ्लैग मैन है तो उसको अपने कैरेक्टर को मैं फ्लैग मैन बुलाता हूँ, वो है रेडी इन द आयरन आर्मर सर्वाइवल में। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ यार आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।